और आज जो पूरी बातचीत है मेरी स्त्री शिक्षा को लेकर के, उनके जो इनिशिएटिव्स रहे हैं वो किस तरह के रहे हैं, संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए, हिंदू कोड बिल क्या है, इस पर मैं अपनी बातचीत रखूँगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा ये चाहते थे कि महिलाओं का शिक्षा में आना बहुत ज़रूरी है। वो एक बात कहते हैं कि अगर किसी समाज की स्थिति का अंदाज़ा लगाना है या आपको देखना है कि वो कितनी प्रगति पे है, तो आपको वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखना चाहिए कि उनकी महिलाएं किन स्थितियों में हैं। आज अगर हम भारत की बात करते हैं, आज वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, पूरे भारत में अगर आप देख लें तो महिलाओं के साथ यौन हिंसाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। उसमें दलित महिलाएँ जो सबसे निचले पायदान पर हैं जातिगत स्तर से और दोहरा शोषण झेल रही हैं, उनके साथ ये यौन हिंसाएँ इतना ब्रूटैलिटी से बढ़ी हैं कि जिनका अंदाज़ा लगाना भी आपको आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। आप अगर देखना चाहें तो किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के, अखबार को उठा करके देख लीजिए, तमाम अखबार रंगे होते हैं महिलाओं के साथ हिंसा के। इस पूरे भयावह स्थिति में महिलाओं को आगे फॉरवर्ड लाना, उनके लिए संविधान में एक पूरा अनुच्छेद बना देना कि समानता का अधिकार उनका है, वो अपने अधिकार को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, उनको हिंदू कोड बिल में किस तरह से उन्होंने उनके अधिकारों को संरक्षित करने की एक पूरी कोशिश की और वो उसको लेकर के आने का जो पूरा प्रयास कितना उन्होंने किया, कितना संघर्ष किया इस चीज़ को लेकर के, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। आज जब हम देख रहे हैं कि JNU के छात्र और छात्राएं अपनी शिक्षा के अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं, बड़ी फीस को लेकर के लड़ रहे हैं, आज पढ़ने के अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लड़के लड़कियां 24 घंटे लाइब्रेरी खुले करने के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पर 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहे ताकि शिक्षा का अधिकार सबको मिल सके, इसके लिए लड़ रहे हैं। आप अगर पूरे भारत में एक चीज़ उठा करके देख लें तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको उठा करके देख लें तो आपको देखना चाहिए कि वहाँ के हॉस्टल के कस्टम्स क्या हैं। महिलाओं के हॉस्टल अगर आप DU के देख लें तो वहाँ पे 7 बजे बंद हो जाता है, 8 बजे तक बंद हो जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का जो हॉस्टल है लड़कियों का, वो 7-8 बजे बंद हो जाता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का हॉस्टल 10 बजे बंद हो जाता है। JNU का ऐसा हॉस्टल था जहाँ पे लड़कियाँ, हैदराबाद है हॉस्टल जहाँ पे लड़कियाँ 24 घंटे वो फ्री रहती हैं, वो कभी भी रीडिंग रूम उनके 24 घंटे खुले रहते हैं, वो जाकर के वहाँ पढ़ सकती है, शिक्षा ग्रहण कर सकती है। आप सोचिए, सुबह 8 से रात के 10 बजे का एक निश्चित निर्धारित समय अगर महिलाओं को रख दिया जाए, जो कि ये संविधान में नहीं है, संविधान में आर्टिकल 15 हमें ये अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है कि जो अधिकार एक संविधान में नागरिकों को प्रदान है वो सारे अधिकार महिलाओं को भी प्रदान किए गए, लेकिन एक अलग से मनोविधान जो पूरे देश में हावी हुआ है, जिसको हम एक सभ्य नागरिक होने का दावा करते हैं कि अच्छे घर की लड़कियां रात के 10 बजे बाहर नहीं निकलती, अच्छे घर की लड़कियां बहस नहीं करती, अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, अच्छे घर की लड़कियां वो नहीं करती, तो ये जो अच्छे घर की लड़कियां बनने का जो पूरा का पूरा प्रचलन है और ये किस तरह से हर सोसाइटी में है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में ये पर्दा नहीं है, ये इस तरह की कुरीतियाँ नहीं है या किसी और समाज में नहीं है, ये हर जगह उतना ही प्रचलित है, क्योंकि भारत एक पृष्ठभूमि है जहाँ पे हम विविधता के साथ जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कुरीतियाँ हैं हमें किस तरह से पीछे बांध के रखती हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हम देखते हैं महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए जो बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान में सुरक्षित किए हैं। हमें शिक्षा का अधिकार दिया था, हमें जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आज किसी भी बात पे महिलाओं को मार दिया जाता है, उनके साथ यौन हिंसा करके उनको मार दिया जाता है। बच्चियां जो पेट में पल रही होती हैं, आप देख सकते हैं सेक्स रेशियो इतना नीचे है हमारा, पूरे अगर देख ले हमारा लिंग अनुपात बिहार, UP, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो मोस्ट पेट्रियार्कल एरिया है वहाँ पे हमारा जो लिंग अनुपात है सबसे कम जा रहा है, जहाँ पे बच्चियों को पेट में ही जन्म से पहले मार दिया जाता है। ये सोचिए कितनी भयावह स्थिति है कि हम न कोख में सुरक्षित हैं, ना हम सड़कों पे सुरक्षित हैं, ना हम घरों में सुरक्षित हैं। घरों में भी आप देखिए बहुओं को जलाने का पूरा प्रचलन है, किस तरह से कहीं ना कहीं महिलाओं को मार दिया जाता है। क्या ये संविधान में ये अधिकार हमारे सुरक्षित नहीं थे? हमारा जीने जीने का अधिकार हमें नहीं मिलना चाहिए था? हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल, हमें बराबर कंधे से कंधा मिलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये हमारे अधिकार हैं, लेकिन ये हमें मिले नहीं हैं।
ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, ये बाबा साहब ने लिखे हैं संविधान में। हिंदू कोड बिल की मैं बात करना चाहूँगी, जिसमें जिस संविधान को लेकर के पूरी पूरी बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू कोड बिल की पूरी बहस को बिल्कुल नकार दिया जाता है। जब नेहरू कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष चुना जाएगा उनको, वो अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, तो उनके सामने दो चीज़ प्रस्ताव रखे गए, एक तो भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान बनाने का, दूसरा हिंदू कोड बिल का। हिंदू कोड बिल रॉ कमेटी की वो रिपोर्ट थी जिसमें महिला, पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति का बारीकी से पड़ताल किया गया था, जो कि 1942 में यह कमेटी गठित हुई थी, और 1944 की वो रिपोर्ट थी कि महिला, भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी है, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी है, और शिक्षा के क्षेत्र में वो ना के बराबर है। तो उस पूरी की बहस को लेकर के नेहरू के समक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह बात रखी कि मैं संविधान को बनाने से पहले हिंदू कोड बिल को पारित करवाना चाहूँगा। हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या था जिसको, जब ये बहस का मुद्दा बना तो पूरे भारत के जितने भी रूढ़िवादी लोग थे, जो पिछड़ी मानसिकता के लोग थे, वो अंबेडकर का पूर्ण जरूर विरोध करने लगे। उसमें महिलाओं की शिक्षा का अधिकार, उन्होंने उनको, अंबेडकर ने वहाँ पे संपत्ति के अधिकार की बात की थी कि महिलाएं आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ी हैं, महिलाओं के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती। मनोविधान के अनुसार आप सबको पता होगा कि महिलाओं को जन्म से अपने पिता के अधीन रहना होता है, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहना होता है, और वृद्धा अवस्था में अपने पुत्र के अधीन रहना होता है। मतलब महिला एक दान करने की वस्तु है, जो जिसको पुरुष सत्ता के अंतर्गत ही अपना जीवन यापन करना होता है। ये पूरी बातचीत अगर आप देखें, सुने और सोचें कि क्या महिला कोई वस्तु है जो किसी की अधीन रहेगी, या कोई जीते जाने वाली ट्रॉफी है कि जिसको जिसने दे दिया उसके साथ रहेगी, या एक संपत्ति का टुकड़ा है जो उस पर अधिपत्य जमाए रहेगा, उसकी खुद की कोई संपत्ति नहीं हो सकती। उसकी संपत्ति ना होने के कारण, उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। इसके लिए संविधान में उन्होंने कहा कि पहले हिंदू कोड बिल में महिलाओं को उनकी संपत्ति का अधिकार दिलाना सबसे ज़रूरी है, कि महिलाओं के पास जब संपत्ति आएगी तो उनकी जो पूरी की पूरी स्थिति सुदृढ़ होगी। दूसरा अधिकार उनके विशेष विवाह का अधिकार था, कि जो जाति व्यवस्था है उसको तोड़ने के लिए अंतर जाति विवाह बहुत ही ज़रूरी है। जाति महिलाओं की यौन शुचिता को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है जो उसी पे आधारित है। आप देखिए, किसी भी समाज में महिलाओं को इतना कंट्रोल क्यों किया जाता है, ताकि ये रक्त की शुद्धता, जो कि एक फेक आइडियोलॉजी है, उसको बनाए रखा जा सके, ताकि संपत्ति पे इसके मार्फत कंट्रोल किया जा सके। तो जब अंतरजातीय विवाह होगा तो इस तरह की चीज़ों को तोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, तीसरा जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिस पे काम किया वो ये था कि उनको तलाक का अधिकार हो। आप ये जानते हैं कि भारतीय समाज में, हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा महिलाएं, अगर ये घर में कहा जाता है कि अगर तुम्हारी डोली गई है तो घर अर्थी वापस आएगी, तो सोचिए महिलाओं के साथ ये स्थिति है कि वो पैदा होने के बाद से उसके घर में उसकी विदाई और उसकी शादी को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं कि उसको तो पराए घर जाना है, और अगर वो चली गई है तो उसकी अर्थी वापस आएगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए उन्होंने तलाक का एक नियम बनाया कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ हिंसाएँ हो रही हैं, आप एकदम खुश नहीं हैं, आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप तलाक ले सके। महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार नहीं था। पुरुषों को बहुविवाह का प्रचलन था, तो इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि महिलाओं को तलाक का अधिकार मिले, महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को यापन कर सके। चौथा जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण था, कि संपत्ति पे कंट्रोल करने के लिए महिलाओं को भारतीय पूरी पृष्ठभूमि में देखा जाए तो उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं था। मतलब दत्तक प्रथा में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। अगर आप इसको समझना चाहे कि 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो रानी झांसी ने वहाँ के राजा के मरने के बाद, जो उनके राजा के मरने के बाद विधवा रानी ने एक बच्चे को गोद लिया था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने डिनाई कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आपके शास्त्रों में महिलाओं को बच्चा दत्तक लेने का अधिकार नहीं है। इस पूरी बात को समझिए कि संपत्ति को किस तरह से हड़पने की पूरी राजनीति होती है, कि जो महिला है वो
किसी भी बच्चे को अपने उसमें अडेप्ट नहीं कर सकती, इसका वो अधिकार दिया था, जिसका पूर्व जरूर विरोध हुआ। कारपत्री जैसे ब्राह्मण जो कि पुरोहित थे बनारस के, उन्होंने उनका पूरा एजेंडा बना और उन्होंने उसको विरोध किया। अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पास, और हिंदू कोड बिल ऐसा नहीं दलित महिलाओं के लिए था, ये सवर्ण महिलाओं के लिए था, ताकि सवर्ण महिलाएँ संपत्ति का जो पूरा की पूरी समस्या थी वो सवर्ण महिलाओं से जुड़ी हुई थी। बहुविवाह की जो कुरीति थी और महिलाओं को जो तलाक का अधिकार नहीं मिल रहा था या अंतरजातीय विवाह का बिल्कुल विस्पेस नहीं मिल रहा था, वो सब आप देखिए किसी वर्ग विशेष जाति विशेष का था। और अगर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास दत्तक का अधिकार नहीं है, हमें हमारे पास तलाक का अधिकार नहीं, ये सारे जो कुरीतियाँ थी एक सवर्ण महिलाओं की समस्याओं को आधारित थी। इनको लेकर के जब बाबा साहब काम करने लगे तो लोगों को लगा कि एक निचली जाति का शूद्र व्यक्ति कैसे हमारे मनोविधान को चैलेंज कर सकता है, लेकिन बाबा साहब ने ये चैलेंज उठाया और उन्होंने इसको किया। लेकिन नेहरू कैबिनेट ने जैसे ही उनका प्रथम मंत्रिमंडल रहा उसके बाद उन्होंने इसको काम करने में डिले करने लगे और संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान पारित हुआ, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे जो हमारे विशेष अधिकार हैं उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे विशेष अधिकारों में समानता का अधिकार सुनिश्चित किया कि आर्टिकल 15 में जाति, लिंग, वर्ग, नस्ल के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उससे महिलाओं को भी वो अधिकार मिले थे। हम देखते हैं कि वही हिंदू कोड बिल को जब नहीं पारित होते देख करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1954 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और वो बहुत बहुत आहत थे इस चीज़ से कि हम मतलब अगर यही हिंदू कोड बिल उसके बाद पारित होता है, वो चार खंडों में पारित होता है, लेकिन अगर वो समग्रता के साथ ये पारित हो सकता या संविधान लागू होने से पारित हो सकता तो इसका बहुत एक बेहतर इम्पैक्ट पूरे समाज में हमें देखने को मिलता, महिलाओं की चीज़ सुदृढ़ होती। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये हमें कितना प्लस करता है, हमारे पास जब ये अधिकार आ जाता है कि मेरे पास संपत्ति है और हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति आपको लगता है कि ये है JNU में बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, अगर शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाएगा क्या अंबेडकर वापस हमारे समाज को जीवित रूप से मिल पाएंगे? इतने अंबेडकर हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, जो अंबेडकर से प्रेरणा लेकर के समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन अब नहीं कर पाए क्योंकि आर्थिक रूप से दलित समाज, बहुजन समाज, 85% जनता वो पिछड़ी हुई है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि शिक्षा का निजीकरण किस तरह से संपत्ति से जुड़ा हुआ है और महिलाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महिलाओं को वापस उन्हीं घरों में चार दीवारी में भेजने की पूरी साजिश है, जिस तरह से महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रही है और उनको एक वक्त की पाबंदी लागू करने की पूरी साजिश हो रही है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और एक भारतीय होने के नाते हम ये गुहार करना चाहिए कि हमें जाति भेद नस्ल को मिटा करके संविधान के उस मूल को समझने की ज़रूरत है कि हम एकजुटता के साथ इसका विरोध करें और जहाँ पर भी अन्याय हो रहा है हम उसका विरोध करते हुए उससे लड़ें और हम अपने समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाएं। जय भीम, नमो भीम।